नमस्कार, मैं हूं मनीता उपाध्याय। पी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीकर जिले में लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट सीकर के द्वारा मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आज नेहरू पार्क में ग्वारिया समाज के लोगों के साथ मिठाई खिलाकर मकर संक्रांति उत्सव मनाया गया। ट्रस्ट प्रभारी अरुण पारिक ने बताया, राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम ट्रस्ट समाज में निरंतर करता रहता है, जिससे अपनी सामाजिक संस्कृति बनी रहे, उन लोगों को अपने त्योहारों के बारे में पता रहे, इसी उद्देश्य को लेकर ट्रस्ट मकर संक्रांति का आयोजन करता रहता है। इसके बारे में समाज और युवा पीढ़ी को अपने धर्म और त्योहारों के बारे में पता रहे। यह दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। एक राशि को छोड़ने की दूसरे में प्रवेश करने की सूर्य की इस विस्थापन की क्रिया को ही संक्रांति कहते हैं, क्योंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इस समय को मकर संक्रांति कहा जाता है। सूर्य दक्षिणायन से अपनी दिशा बदलकर उत्तरायण हो जाता है, अर्थात सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगता है, जिससे दिन की लंबाई बढ़ने और रात की लंबाई छोटी होनी शुरू हो जाती है। भारत में इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है, अतः मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में ट्रस्ट कार्यकर्ता राकेश पारिक, राजकुमार यादव, शंकर भाट, रजनी पारिक, सरोज नानुरी विधि आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सीकर जिले के सदर थाना पुलिस ने पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप के निर्देशानुसार नाबालिग अपहरण जैसे संगीन अपराधियों के प्रकरणों के संबंध में टीम गठित करते हुए मध्य प्रदेश से लाखन सिंह धाकड़ पुत्र फूल सिंह जाति धाकड़ उम्र 23 वर्ष निवासी नैनवास विदिशा मध्य प्रदेश से दस्तक किया। उक्त अपराधी ने हल्का क्षेत्र के गांव से नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। आज लड़की के साथ में उक्त अपराधी को दस्तक किया गया। सीकर ब्लड डोनर्स टीम के रक्तवीर पार्षद मोहम्मद तौफीक बहलीम ने गुरुवार को 36वीं बार रक्तदान कर सराहनीय कार्य किया। उन्होंने सीकर के श्रीकल्याण अस्पताल में अपने ही वार्ड क्षेत्र नंबर 61 की जरूरतमंद महिला को रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की। मोहम्मद तौफीक बहलीम अब तक 24 बार रक्त, 11 बार SDP और 1 बार प्लाज्मा दान सहित कुल 36वीं बार डोनेट कर चुके हैं। पार्षद तौफीक बहलीम ने इस अवसर पर लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा के लिए हर किसी को आगे आना चाहिए। रक्तदान से बड़ा कोई परोपकार और पुण्य का कार्य नहीं है। इस मौके पर मरीज के परिजन और वार्डवासियों ने पार्षद तौफीक बहलीम का आभार व्यक्त किया। झुंझुनू जिले में कोरोना गाइडलाइन को लेकर प्रशासन बहुत ही सख्त नजर आ रहा है, लेकिन कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए जिला कलेक्टर और SP स्वयं लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। कलेक्टर UD खान और SP प्रदीप मोहन शर्मा ने बाजार और भीड़ वाले इलाकों में पहुंचकर मास्क वितरित किए। बाजार में दुकानदारों, रेहड़ी ठेले वालों ने मास्क नहीं लगा रखे थे, उन्हें अपने हाथों से मास्क प्रदान किए, तुरंत मास्क लगाने की हिदायत भी दी। जिला कलेक्टर और SP पूरे प्रशासनिक लवाजमे के साथ शहर में निकले। पैदल ही शहर मुख्य बाजार, ताल बाजार, नेहरू मार्केट, शाहिदान चौक सहित भीड़भाड़ वाले इलाकों में पहुंचकर कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को ही जरूरी बताया। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे हर बाजारों में गश्त करें, कोरोना गाइडलाइन पालना नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा ने भी सभी थाना अधिकारियों को मास्क नहीं लगाने वाले और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं। झुंझुनू जिले में कोरोना की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है, एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। झुंझुनू में 15 बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जिले में कोरोना की रफ्तार अनकंट्रोल होती जा रही है। सरकारी दफ्तरों में भी कोरोना फैल चुका है। मलसीसर, SDM और 5 कार्मिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पुलिस के जवान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में 1 जनवरी से 13 जनवरी तक 198 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। जिले में पिछले 3 दिनों में 11, 12 और 13 जनवरी की रिपोर्ट में जिले में 141 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। जिले में स्थिति अनकंट्रोल की ओर बढ़ रही है। एक ही दिन में 15 बच्चे पॉजिटिव मिले हैं, ये सभी 12 से 18 साल की उम्र के ही हैं। और देश में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कि सब लोगों को मास्क लगाना है, दूरियां बना के चलनी हैं और साथ में अनावश्यक रूप से बाजारों में घूमना नहीं है, बाहर नहीं घूमना है। इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, बाजार में चेकिंग करने के लिए आज SP साहब झुंझुनू के साथ में और इनके जो फ्लैग मार्च किया है, लोगों में ये संदेश दे रहे हैं कि कोरोना आ गया है, थर्ड वेव आ गई है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, घरों के अंदर रहें, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकले।
भारत के चर्चित शो कौन बनेगा करोड़पति के नाम से साइबर ठग लोगों को फोन कर रहे हैं। ये सभी व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं, केबीसी में लॉटरी निकलने का झांसा दिया जाता है, लॉटरी की रकम आपके खाते में भेजने के नाम पर रुपयों की ठगी करते हैं। झुंझुनू में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। ये कॉल जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्य मनोज मील के पास आया। फोन पर व्हाट्सएप मैसेज आया और ऑडियो मैसेज भी आया। मैसेज में ठग 25 लाख रुपए की लॉटरी निकलने की बात कर रहा है। एक नंबर दिया गया जिस पर सिर्फ व्हाट्सएप पर ही कॉल करने के लिए कहा गया। मनोज मील ने एसपी को पूरे मामले से अवगत करवा दिया है। 25 लाख रुपए जीतने का लालच भी दिया जाता है। जिला उपभोक्ता विवाद आयोग के सदस्य मनोज मील के पास उक्त नंबर से व्हाट्सएप कॉल और ऑडियो मैसेज प्राप्त हुआ। कहा गया कि कौन बनेगा करोड़पति के तहत आपका सिम भाग्यशाली विजेताओं के रूप में चुना गया है, आप 25 लाख रुपए जीत गए हैं। बताया गया कि व्हाट्सएप नंबर दिया गया, इस पर फोन करना है। इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप से ही फोन होगा। इस नंबर पर आपको पूरी औपचारिकता समझा दी जाएगी, कब कैसे आपके खाते में रुपए आएंगे। पत्र को देखकर कतई नहीं लगता है कि ये पत्र फर्जी है। इस पत्र में पूरी जानकारी दी गई है, जिस नंबर पर फोन करना है वह दिया गया है। पुलिस का कहना है कि ऐसे मैसेज और कॉल आए तो तुरंत पुलिस के पास मैसेज करें, पुलिस को इन्फॉर्म करें, किसी भी ऐसे मैसेज का जवाब आप ना दें, नहीं तो बैंक खातों से रुपए निकल सकते हैं। कोई भी साइबर ठग वाला आपको अपनी जाल में फंसा सकता है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट सूरत के सौजन्य एवं प्रभुदयाल काबरा की प्रेरणा व दानदाताओं के सहयोग से मकर संक्रांति के पर्व पर घेवर फीणी एवं अन्य मिठाइयों का वितरण किया गया। भगवा रक्षा वाहिनी के अध्यक्ष जयशंकर पुजारी ने बताया कि प्रभुदयाल काबरा लक्ष्मणगढ़ में समय समय पर नेक कार्य करते रहते हैं। भगवा रक्षा वाहिनी अध्यक्ष जयशंकर पुजारी, महामंत्री अमित कुमार जोशी, संरक्षक सुरेश जाजोदिया, महेंद्र काछवाल एवं ताराचंद ठेकेदार सहित भगवा रक्षा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान अपनी सेवाएं दी। सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में मकर संक्रांति के मौके पर जब पतंगबाजी का दौर शुरू हुआ, उसी दौरान मकर संक्रांति पर पतंगबाजी की वजह से बेजुबान पक्षियों की जिंदगी पर भी खतरा मंडराने लगा। शुक्रवार को मकर संक्रांति के अवसर पर शहर में उड़ने वाले दर्जनों पक्षी पतंग से घायल हो गए। हर वर्ष की तरह फतेहपुर में इस वर्ष भी पतंग मांझे ने कई पक्षियों के पर काट दिए। सब्जी मंडी स्थित कबूतर खाने में रोजाना कई पक्षी घायल होते हैं, इनमें अधिकतर कबूतर थे। जानवरों के लिए काम करने वाली संस्थाओं की माने तो पतंगबाजी में घायल होने वाले पक्षियों की संख्या इस साल कम रही। चाइनीज मांझे की डोर से डरते पक्षियों के लिए मानो आफत सी आ गई थी। आज दिन भर पक्षी कबूतर खाने से दूसरे मार्केटों पर उड़ते नजर आए। ऐसे में कई कबूतरों ने दम तोड़ दिया तो कबूतर खाने में भी कई कबूतर घायल हो गए। ऐसे कबूतर यहाँ पर घायल हो रहे हैं पतंग की पतंगबाजी के चलते? ये चाइनीज मांझे से ना कबूतर बहुत घायल होते हैं, जैसे दो चार रोज घायल होते हैं कबूतर। कोई तो बाहर ही दम तोड़ देते हैं, किसी के गले में अटक जाते हैं, किसी के पंख कट जाता है, किसी के पैर कट जाते हैं और बहुत घायल हो जाते हैं। किसी का पंख अलग कट के अलग ही पड़ जाते हैं। रोजाना नुकसान? हाँ, रोज दो चार पांच कबूतर। आज किस तरीके से उड़ते फिर रहे हैं कबूतर बार बार में जगह? आज भी मान लो कि सुबह से तीन या चार कबूतरों की मौत हो चुकी है। सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में मकर संक्रांति को लेकर पतंगबाजी का दौर सुबह से ही जारी है। जब बस स्टैंड के दोस्तों की टीम ने तीन पतंग उड़ाना शुरू किया तो हर कोई देखकर हैरान था। इन दोस्तों ने एक पतंग 9 फीट और दो पतंगे 7 फीट की बनाई। इन युवाओं में अलग अलग उत्साह दिखाई दिया। मकर संक्रांति का बहुत ही उत्साह रहा। रंग बिरंगी पतंगे आसमान को रंगीन सी बना रही थी। नगर आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ जी भगवान का मंदिर भी रंग बिरंगी पतंगों से सजाया गया। लोगों ने दर्शन कर दान पुण्य किया। आसमान में सतरंगी पतंगे उड़ती दिखाई दी। दिन भर स्नान दान पुण्य के साथ जमकर पतंगबाजी का दौर चला। छतों से वो काटा की गूंज सुनाई दी। सड़कों पर बच्चों की टोलियां कटी हुई पतंग लूटते दौड़ती नजर आई। मकर संक्रांति को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सीकर जिले के रिंगस थाना पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। रिंगस थानाधिकारी मदनलाल कड़वासरा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर जयपुर रिंगस मार्ग पर नाकेबंदी करवाई गई थी। नाकेबंदी के दौरान एक बाइक सवार नाकेबंदी तोड़कर भागने लगा। पुलिस ने करीब 1 किलोमीटर पीछा करके लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे पंजाब निवासी मनप्रीत को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास पुलिस को 3 पिस्टल व 2 कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपी रिंगस कस्बे के एक दूध डेयरी व्यापारी की रैकी करके बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस आरोपी के अन्य साथियों की तलाश कर रही है। सूचना के आधार पर जयपुर से एक व्यक्ति जो पंजाब का रहने वाला है मोटरसाइकिल के ऊपर हथियार लेके आ रहा था, जिसको दौरान नाकाबंदी पकड़ा गया तो जिसके कब्जे में 3
अवैध देसी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस मिले हैं। ये व्यक्ति जिसका नाम मनप्रीत सिंह है, जाति राय सिख और फाजिलका पंजाब का रहने वाला है। ये व्यक्ति काफ़ी दिनों से यहाँ, उसने बताया कि कस्बे में किसी की रैकी की गई थी, किसी डेयरी संचालक की डकैती के लिए उसकी तैयारी में लगे हुए थे। इसकी योजना से पूरे भी इसको गिरफ्तार कर इसके पास से काफ़ी हथियार बरामद किए गए हैं। सर, क्या इसमें और भी इसके साथियों के कुछ बारे में पता चल रहा है? इस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो ये अपने आप को सोपो गिरोह जो लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा का गैंग है उसका सदस्य बताता है, और उसका काफ़ी बड़ा ये फैन है, और कि मैं उस गैंग के लिए काम करता हूँ। तो मुझे 15 दिन पहले जयपुर बुलाया गया था, और जयपुर के बाद में यहाँ किसी की रखी की थी, कुछ और लोग आने वाले थे, उसके बाद में वारदात को अंजाम दिया जाना था। इसके बारे में कौन और साथी थे, हथियार कहाँ से लेके आए, उसके बारे में पूछताछ से की जाए। पी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लगातार बने रहिए पी न्यूज के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ऑफ नोटिफिकेशन सो दैट यू विल गेट ईच एंड एवरी अपडेट ऑफ अवर चैनल।